Hello guys, welcome back to our channel Atomic Facts. Today we're gonna talk about most expensive substance on earth, yani prithvi par maujood duniya ki sabse mahangi substance yani matter, jise hindi mein kahe to padarth. Aur humne pichle do video mein baat kiye the duniya ke 10 sabse mahange diamonds aur duniya ke 10 sabse mahange stones ke bare mein. To usi video ka humne यह सिलसिला आगे बढ़ाया है और आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेंसिव सब्सटेंस ऑन अर्थ. तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं. हैशटैग 9 यानी हमारे 9 पोजीशन पर आता है सैफ्रॉन. सैफ्रॉन यानी केसर. केसर हमारे देश में कश्मीर में पैदा होता है और यह बेहद ही रेयरली तौर पर इसकी खेती होती है और बहुत हार्ड इसकी खेती होती है. और इसको जो सैफ्रॉन को बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें कैरी करना और इनका खेती करना बहुत हार्ड हो जाता है. इस कारण इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है. तो इनका प्राइस है $11 पर ग्राम यानी कि 805 रुपये पर ग्राम के हिसाब से. अगर जो हम इसे कैलकुलेट करें तो इसका 1 kg का प्राइस आएगा 8 लाख से भी ज़्यादा. नंबर 8 पोजिशन पर आता है गोल्ड. जी हाँ, सोना. गोल्ड इसका प्राइस है $56 पर ग्राम. इसे हम ज्वेलरी के रूप में या फिर और भी कहीं किसी और रूप में यूज़ करते हैं. इसका प्राइस है $56 पर ग्राम यानी कि 4,100 रुपये पर ग्राम के हिसाब से. नंबर 7 पोजीशन पर है प्लैटिनम. प्लैटिनम का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में यूजेस में भी करते हैं, मेडिसिन यूजेस में भी करते हैं और भी अलग अलग जगह करते हैं. और इसका मेन काम है एनर्जी जनरेट करना. और इसका प्राइस है $60 पर ग्राम यानी कि 4,394 रुपये पर ग्राम के हिसाब से. डॉलर के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है. नंबर 6 पोजीशन पर है प्लूटोनियम. प्लूटोनियम एक बहुत ही रेयर सब्सटेंस के रूप में मौजूद है धरती पर और इसका यूजेस हम लोग केमिकल फैक्ट्री इंडस्ट्री और केमिकल वेपन्स बनाने में भी करते हैं. यानी कि बहुत रेयर है और एक आम इंसान इसे खरीद नहीं सकता है. तो इसका प्राइस है $4,000 पर ग्राम यानी तकरीबन 2.93 लाख पर ग्राम के हिसाब से. बहुत ज़्यादा महंगा है. अगर जो हम 5 नंबर की बात करें तो वहाँ पर आता है ट्राइटियम. ट्राइटियम भी एक प्लूटोनियम जैसा ही सबस्टांस है. इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इससे भी केमिकल वेपन्स और एनर्जी बनाए जाते हैं. तो इसका भी प्राइस है $30,000 पर ग्राम. हाँ, ये प्लूटोनियम से बहुत ज़्यादा रेयर है और कुछ ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इस कारण इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है. अगर जो हम इसे रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 2.2 करोड़ रुपीज़ इसका पर ग्राम कैलकुलेशन आएगा. नंबर 4 पर है डायमंड. डायमंड इस लिस्ट में शायद आपको लगा नहीं होगा, लेकिन हमने पिछले 2 वीडियोस में भी हर लिस्ट में डायमंड आता है. इसका मतलब ये है कि डायमंड धरती पर सबसे रेयर सब्सटेंस के रूप में मौजूद अभी भी है. शायद आगे जाकर ये ख़त्म भी हो सकता है. डायमंड का प्राइस है $55,000 पर ग्राम के हिसाब से. यानी कि इसका जो 1 ग्राम का प्राइस है वो 4 करोड़ के बराबर आता है. और डायमंड का यूज़ हम लोग ज्वेलरीज वगैरह में करते रहते हैं. नंबर 3 पर है कैलिफोर्नियम. कैलिफोर्नियम किसी सिटी का नाम नहीं है, ये एक सब्सटेंस का नाम है कैलिफोर्नियम. इसका यूजेस हम लोग कहीं पे माइनिंग चल रही होती है तो वहाँ पे हम लोगों को डिटेक्टिव मैटर का यूज़ करना पड़ता है, सोना या सिल्वर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए. तो उन्हीं का ये काम करता है कैलिफोर्नियम. ये सोना और सिल्वर ढूंढने में मदद करता है. तो इसका प्राइस है $27 मिलियन पर ग्राम यानी कि 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ के हिसाब से. नंबर 2 पर आता है जेड. इसका यूजेस सिंपल है ज्वेलरी के तौर पर. ये भी एक रेयर स्टोन्स के रूप में आता है. इसकी पॉलिश करके और इसे अच्छा रंग रूप देकर इसे एक ज्वेलरी के रूप में ही सिर्फ यूज़ करते हैं. तो जेड की प्राइस है $170 मिलियन रुपीज़ पर ग्राम यानी कि इसका रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 12,45,000 करोड़ रुपीज़. बहुत ज़्यादा है, शायद ही कोई अफोर्ड कर पाए. नंबर 1 पर है एंटी मैटर. एंटी मैटर एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला चीज़ है. इसे हम लोग ना कि टच कर सकते हैं ना बढ़िया से देख सकते हैं. ऐसा तो दिखाया जा सकता है मगर इसे हम ठीक से देख भी नहीं पाएंगे. और ये दुनिया में बहुत रेयर है और हमारे पास तो बिल्कुल नहीं है. $62.5 ट्रिलियन पर ग्राम इसका प्राइस है. अगर जो हिंदी में यानी कि इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करें तो 62.5 लाख करोड़ रुपीज़.
इसका इस्तेमाल भी एनर्जी प्रोड्यूस में ही किया जाता है, केमिकल फैक्ट्रीज और दूसरी जगह पर। और एक फैक्ट की बात ये है कि एंटी मैटर का प्राइस मैंने बताया था 62.5 ट्रिलियन डॉलर पर ग्राम, और वर्ल्ड की टोटल यानी पूरी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिक है उनका कैलकुलेशन निकालें तो 88 ट्रिलियन रुपीज आता है। इसका मतलब कि एंटी मैटर एक कोई आम इंसान, चाहे कितने भी अमीर हो, अमेजन का मालिक हो या फिर इलोन मास्क हो, कोई भी इसे नहीं खरीद सकता है। मतलब खरीदने का मतलब है कि आधा से ज़्यादा दुनिया इस पर पैसा लगा चुकी होगी। तो इसे सेल्स या फिर खरीदा बिक्री इसका नहीं होता है, इसे सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के रूप में। तो यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हो तो लाइक करते हुए जाना, और थैंक यू।